क्या आप एक यूट्यूबर हैं या बनना चाहते हैं? अगर हैं तो आपको कम से कम एक चीज़ तो पता ही होगी कि आवाज़ कितनी ज़रूरी है वीडियो में। अगर आपकी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है तो आपका वीडियो हिट हो सकता है, वरना वीडियो फ्लॉप भी हो सकता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि माइक का चयन किस तरीके से करें। अगर आप अपने कैमरे के साथ सही किस्म का माइक यूज़ करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका वीडियो बहुत ही बढ़िया होगा। चलिए बात करते हैं कि कौन से किस्म के माइक्रोफोन अवेलेबल होते हैं। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आपके लिए सबसे अच्छा माइक्रोफोन होगा वायरलेस माइक्रोफोन, मगर ये महंगे भी होते हैं। दूसरे किस्म के माइक्रोफोन होते हैं लेवलियर माइक्रोफोन्स, जो कि आप अपने कपड़ों पर क्लिप कर सकते हैं। इन्हें लेपल माइक्स भी कहा जाता है। ये खासकर से इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तीसरे किस्म के माइक्रोफोन होते हैं डायरेक्शनल माइक्रोफोन। इसमें यूनिडायरेक्शनल और ओमनीडायरेक्शनल माइक्रोफोन्स भी होते हैं। यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन का मतलब ये होता है कि ये जिस तरफ इसे पॉइंट किया गया है उसी तरीके से आवाज़ पकड़ेगा, और ओमनीडायरेक्शनल माइक्रोफोन सब तरफ से आवाज़ पकड़ता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेवलियर माइक्रोफोन्स या लेपल माइक्स की। लेपल माइक्स छोटे होते हैं और आप उसे आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इस पर खास करके ध्यान देना आपको ये होगा कि कनेक्टर किस किस्म का है। खास आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि कनेक्टर आसानी से फ़ोन में या DSLR में लग सके। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ अच्छे लेपल माइक्स के बारे में। सबसे बढ़िया माइक, जो कि दाम में भी कम है और काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट देता है, इसका नाम है बोया BY-M1। ये माइक्रोफोन स्मार्टफोन्स और कैमरास दोनों के साथ बहुत ही अच्छी तरह चलता है। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास है रोड लेवलियर। ये एक एक्सपेंसिव माइक है, मगर इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। रोडी का स्मार्ट लैव प्लस भी है, ये भी एक बहुत ही अच्छा माइक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं तो आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका कनेक्टर आसानी से आपके फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है। अगर आपको वायरलेस माइक लेने हैं तो आप रोड लिंक फिल्म मेकर किट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि किसी डिजिटल रिकॉर्डर या DSLR से कनेक्ट हो सकता है। इससे आपको बहुत ही हाई क्वालिटी साउंड मिल सकती है। आखिर में हम बात करेंगे Audio-Technica ATR-3350IS की। ये बहुत ही बढ़िया बजट माइक है। इसके साथ जो केबल आता है वो भी काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी अच्छी साउंड पकड़ता है। बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल और ओमनीडायरेक्शनल माइक्स की। ऐसे माइक्स में सबसे पॉपुलर है रोड NTG2, जो कि आप किसी बूम पोल से रिकॉर्ड करके साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस माइक में प्रोफेशनल XLR कनेक्शन है, इसीलिए आपको शायद अपने फ़ोन या DSLR से कनेक्ट करने के लिए एक खास एडाप्टर यूज़ करना पड़े। एक और माइक जो इस कैटेगरी में है वो है रोड वीडियो माइक प्रो, जो कि कैमरे के ऊपर एक माउंट किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें खास कर से एक इलास्टिक सस्पेंशन सिस्टम है जो कि हैंडलिंग नॉइस को काफ़ी कम करता है। अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं DSLR से तो ये बहुत ही बढ़िया माइक है और आपके साउंड लेवल को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं USB माइक्रोफोन्स की। USB माइक्रोफोन्स सबसे आसान तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। USB कैटेगरी में हम अगर बात करेंगे तो रोड NT-USB एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है। ये बहुत आसानी से सेटअप हो सकता है और आपको साथ ही में ट्राइपॉड मिलता है, जिससे कि नॉइज लेवल्स कम हो सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस माइक को प्रेफर करते हैं। दूसरा माइक जिसकी हम बात कर सकते हैं USB श्रेणी में, वो है ब्लू येटी। ये माइक भी यूट्यूबर्स में काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आता है और इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। इसमें 3 कंडेंसर माइक कैप्सूल्स होते हैं, म्यूट बटन है, गेन कंट्रोल है, एक स्टैंड है और हेडफोन जैक भी है। तो बस अगर आप यूट्यूबर बनने की सोच रहे हैं तो बस याद रखें, ये कुछ ऐसे माइक्स हैं जो आपका जीवन काफ़ी आसान कर सकते हैं और आपका आउटपुट काफ़ी हद तक प्रोफेशनल लग सकता है।